माँ की अजीम कुर्बानी से एक यतीम बच्चा बायज़ीद बुस्तामी बन गया। एक ऐसा वाकया जिसको पढ़कर सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक सकेंगे। हजरत बाबा बायज़ीद बुस्तामी एक बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आज बेटा आलम बने, शोर शुरू हो जाता है खानदान में। आपका क्या वास्ता भाई, कहां से खाएगा? आपसे तो भीख नहीं मांग रहे, आपको क्यों बीच में बोलते हो कौन खिलाएगा? जो औलाद की बात चल रही है अभी, यौम वाला यन्फ्रमालू वाला बनून की बात चल रही है। आपके वालिद का बचपन में इंतकाल हो गया था। आपकी वालदा ने लोगों के घर में काम काज करके अपना और अपने यतीम बच्चे का पेट पालना शुरू किया। ये जब बड़ा होने लगा तो मां ने लोगों से मशवरा किया। उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा मदरसा है, वहां एक बड़े शेख हैं, वहां जो बच्चे पढ़ते हैं वो अल्लाह के वली बन जाते हैं। हमारा मशवरा यह कि तुम अपने बच्चे को वहां दाखिल करा दो। बेवा मां अपने यतीम बच्चे को लेकर उस मदरसे पहुंची। किशु ने बताइए, अब आप इस मां के दिल में नहीं आएगा? सभी ये सोचने लगे तो दुनिया तो खाली हो जाएगी उलमा से। हमारे पास बहुत खत आते हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आलिम हूं, हाफिज हूं, अल्लाह मुझसे दीन का काम ले रहे हैं, लेकिन मुझे घर में जलील किया जाता है। और राशि बड़ा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे पैसे नहीं लेता। अब क्योंकि वक्त नहीं है ना, वरना बताऊं कि बेचारे कैसे जख्मी होते हैं ये लोग। लेकिन क्योंकि दिल में जिसके मौला है उसको इसकी परवाह नहीं होती। उसको पता है सुन्नत अदा हो रही है, उसको पता है जो मजाक उड़ा रहे हैं और तंज कर रहे हैं ये सब सुन्नत का तरीका है, मुफ्त में सुन्नत। बहरहाल वहां के शेख से मुलाकात की, तारुफ कराया कि हजरत मैं एक गरीब बेवा औरत हूं, मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करती हूं, इस यतीम बच्चे को साथ लाई हूं, ये गलियों में खेलने लगा है, मुझे डर है कि ये कहीं बिगड़ न जाए। यह है मां, मेरी तमन्ना यह है कि, और मेरे मरहूम शौहर की भी यह तमन्ना थी कि मेरा बच्चा आलिम रब्बानी बने, अल्लाह वाला आलिम बने। आज अगर शौहर कहे कि यह नहीं लाना है तो बीवी लड़ती है, कभी बीवी कहे कि ये चीजें नहीं लाना है बच्चों के लिए मोबाइल वगैरह तो शौहर लड़ता है। खुद अपने हाथ से अपना हराम शौक पूरा करने के लिए नस्ल को तबाह करते हैं। चश्मा देना, दीन का खादिम बने, दीन का दाई बने और इस्लाम का झंडा दुनिया में फैलाए। जी इस पर बयान तो नहीं हो सकेगा कि दर्द दिल क्या है, अशबार आंखें क्या है। आप इस बच्चे को अपने पास रख लीजिए, उसको ऐसा आलिम बना दीजिए कि ये नायबे रसूल बन जाए, नायबे रसूल बन जाए, वारिस बन जाए। आज अल्लाह जिसको मौका दे रहे हैं बस जल्दी से बुखारी खत्म हो, एमए की डिग्री मिले, एमबीए करके सीधा इस्लामिक बैंक में चले जाओ, लाख की नौकरी कर लो, फिर सारा साल आठ आठ साल मदरसे का खर्चा, पेट्रोल का, डीजल का, लाइट का, पानी का, खाने का, वजीफे का, असातिजा का, ये आठ आठ साल क्यों इस्तेमाल किया? बहरहाल और अल्लाह को पसंद आ जाए मेरा बच्चा। वो बहुत बुजुर्ग मुतासिर हुए और फरमाया कि तुम इस बच्चे को छोड़ जाओ। मोहम्मद तला गौर से सुनना, इधर बैठो तो आप पर मैं नजर भी दुआ पर नजर पड़े ना। वो बुजुर्ग बहुत मुतासिर हुए और फरमाया कि तुम इस बच्चे को छोड़ जाओ, मैं जो कुछ कर सकूंगा वो करूंगा, बाकी अल्लाह काम बनाते हैं। मगर सिर्फ यही नहीं, जाते जाते उस अल्लाह की बंदी ने एक दरख्वास्त की और कहा, हजरत ये बच्चा पहली मरतबा घर से निकल रहा है, उसको घर की और मां की याद भी बहुत आएगी, मुझे याद करके रोएगा, घर आने की इजाजत मांगेगा, मगर ये घर आएगा तो उसका ध्यान भट जाएगा। आज तो छुट्टी पर कितना खुश होते हैं, हाथ भी नहीं लगाते पूरी छुट्टियों में कुरान पाक को, हदीस पाक को, इल्ला माशाल्लाह बार बार कहना है। और वो नहीं बन पाएगा जो मैं उसे बनाना चाहती हूं, इसलिए उसको मेरे पास तभी भेजिएगा जब ये आलिम बन जाए। वो बुजुर्ग हैरान रह गए कि इस बेवा औरत की क्या हिम्मत और क्या तमन्ना है। ये फिक्र नहीं है कि जल्दी बनाए कमाकर मुझे खिलाए, नहीं, असल में वो नेकियां नजर नहीं आती ना, यहां जो खुद नेकियां अपनी या औलाद नेकी करे वो नजर नहीं आती, उसकी करेंसी वहां पर है। उस पर अब बयान होगा तो करूंगा वरना मौका नहीं मिल रहा। बच्चे की तालीम और तरबियत का सिलसिला शुरू हुआ, बच्चे ने कुछ महीनों तक सब्र किया, बिलाकर बच्चे ने आकर उस्ताद से कहा, मुझे अपनी मां की बहुत याद आ रही है, मुझे एक दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं घर चला जाऊं। अब उस्ताद बहुत परेशान कि छुट्टी देते हैं तो उसकी वालदा का क्या हुआ, वालदा से किया हुआ वादा टूटता है, और अगर छुट्टी नहीं देते तो उस मासूम बच्चे का दिल टूटता है। अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुए कि ऐ अल्लाह इस मसले का आप हल फरमा दें। अल्लाह तआला ने मदद फरमाई, दिल में एक तरकीब आ गई। गौर से सुनना तरकीब भाई है,
मजा आएगा इंशाअल्लाह ताला। और फरमाया कि मैं तुम्हें सबक देता हूं, जब तुम इसे याद करके शाम तक सुना दोगे तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। बच्चा खुश हो गया, उस्ताद ने सबक दिया और जानबूझकर इतना ज्यादा सबक दिया कि वो शाम तक याद न कर सके। आज जो हमारे पास कलमा है ना, खुदा की कसम, सहाबा रिजवान अली मजमैन की कुर्बानियां और ये मदारिस और उलमा की वजह से, वरना रामचंद्र और भगवान दास नाम होता, अल्लाह बचाया परवरदिगार। जब बच्चे ने सबक देखा तो समझ गए कि ये सबक तो शाम तक याद नहीं हो सकेगा। अब बच्चा हैरान कि मैं क्या करूं, एक तरकीब जहन में आई, उसने किताब को अदब के साथ रखा और अल्लाह से दुआ करनी शुरू की कि या अल्लाह मैंने यही सुना है कि आप ही सब कुछ कर सकते हैं, ए अल्लाह आज कुछ यतीम बच्चे की दुआ कबूल करके अपनी कुदरत को इस्तेमाल कर दीजिए, आज शाम तक ये सबक याद आप करा दीजिए। यतीम बच्चा खिलौनों से इतना पेट भर दो कि हर वक्त बस खेलते ही रहें बस, और बच्चा रो रहा है कि ऐ अल्लाह आप जानते हैं कि मैं अपनी अम्मी की याद में कितना तड़प रहा हूं, ऐ अल्लाह मेरे टूटे दिल को सुकून दीजिए। खूब यकीन के साथ दुआ की, फिर सबक याद करने बैठा, शाम तक अल्लाह ने उसको सबक याद करा दिया। अल्लाह, उस्ताद को यकीन था कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इतना छोटा बच्चा इतना सबक एक दिन में याद कर ले। बच्चे ने सबक सुनाना शुरू किया, पूरा सबक सुना दिया। उस्ताद समझ गया कि इस बच्चे का अल्लाह से कोई खास मामला है भाई। अब उस्ताद ने घर जाने की इजाजत दी और दुआओं के साथ रुखसत हुआ। दिल के साथ थामिएगा, आज हम दीन की बात करते हैं, आप लोग और हम भी करते हैं, हमारी बहू बेटियां भी, हाफिज बनाने की फिक्र, लेकिन बाद में दुनिया का क्या होगा। बेटियों को राबिया बसजा पढ़ाना है, मैट्रिक तक पढ़ाना भी है जी, अल्लाह की मोहब्बत का नाम भी ले रहे हैं, बेटियों को क्या पढ़ा रहे हैं वो पता भी नहीं है। बेटियों को फिर कॉलेज भी पढ़ाना है, वरना वो खुदकशी की धमकी देंगी, वरना फिर वो जहर खाने की धमकी देंगी, फिर आखिर में नौकरी भी करेंगी। बच्चा खुश खुश घर की तरफ रवाना हो गया। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके सदके दुआएं मांगी जाती हैं, हंसता खेलता जा रहा है कि मैं यूं अम्मी से मिलूंगा, आवाज दूंगा फिर छुप जाऊंगा, फिर अम्मी से लिपट जाऊंगा, फिर मेरी प्यारी मां मुझे खाना खिलाएंगी, मुझे अम्मी अपने पास सुनाएंगी। इन्हीं ख्यालों में वो मासूम बच्चा घर की तरफ रवा दवा है। घर पहुंचा तो घर का दरवाजा बंद था, आवाज दी लेकिन जवाब नहीं मिला। फिर आवाज दी तो अंदर से आवाज आई, ये कौन है। बच्चे ने कहा कि अम्मी मैं आपका बच्चा बायजीद हूं। अंदर से जवाब आया, कौन बायजीद। मेरा बच्चा बायजीद तो घर तब आएगा जब अल्लाह का वली बनकर घर आएगा। बस वो बच्चा वहीं खड़े खड़े रोता रहा। वो समझ गया कि मेरी अम्मी नहीं चाहती कि मैं अभी उनसे मिलूं। यूं रोते रोते वो वापस मदरसा चला गया। आज मोबाइल का क्या हाल है, अल्लाह के आशिक बनना है, अजान हो रही है मगरिब की, अपनी आंखों से देखा है, बातें कर रहे हैं टेलीफोन पर। मेरे मुतालिकी ने, मैंने देखा को मसबूक टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, रातों को बातें मदरसे के छत पर। क्या अलग जो किराए पर 8 लोगों ने कमरा लिया हुआ है दोस्तों ने, वहां क्या होता है। जुम्मे की नमाज कब पढ़ते हैं, बयान सुना जुम्मे का, खुतबे में पहुंचे, मसबूक हुए, नमाजी गई, साईदात जागकर फजर नमाज पढ़ी, जुम्मा पढ़ा, असर पढ़ी नमाज। अल्लाह को सब पता है, जो करता है तू छुपके अहले जहां से, कोई देखता है तुझे आसमान से। मुझे क्या बनना है, शेखुल अरब अजम आरिफ बिल्ला हजरत मौलाना शाकिब मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह की नकल, उनके जूतियों की खाक का दर्दे का करोड़ों ऐसा बन जाऊं जी। मुझे हजरत शेखुल इस्लाम दामद बरखा तुम बनना है जी। मुझे हजरत अल्लामा बिनूरी रहमतुल्लाह जैसे बनना है। इन गुनाहों कबीरा के साथ हम बनेंगे, दिल के जिना के साथ हम बनेंगे, बताओ। अल्लाह समझ गया बच्चा कि जब वो अल्लाह का वली बन जाएगा तब वो आएगा। बस वो बच्चा वहीं खड़े खड़े रोता रहा। वो समझ गया कि मेरी अम्मी नहीं चाहती कि मैं अभी उनसे मिलूं। यूं रोते रोते वो वापस मदरसे चला आया।
फिर बच्चे की तालीम और तरबियत का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों दिल की कानों से सुनिए, अगले 16 साल तक ये बच्चा अपने मां के पास नहीं गया। इस अरसे में बच्चे ने छुट्टी भी नहीं मांगी। फिर क्या हुआ, तारीख में लिखा है कि हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र जब तकरीबन 22 साल की हो गई तो एक मरतबा ख्वाब में उस्ताद को बवक्ते तहज्जुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत नसीब हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बायजीद नौजवान तेरे पास जेरे तरबियत है उसको अल्लाह ताला ने विलायत कुबरा का झंडा दे दिया है। अल्लाह के यहां फैसला हो गया कि उसके जरिए दुनिया में दीन का काम होगा, जाओ उसको खुशखबरी सुना दो, उसको रवाना कर दो। उस्ताद साहब उठे, शागिर्द से फरमाया इधर आओ, सीने से लगाया और फरमाया तुम्हारी मां की कुर्बानी रख लाई और तुम्हारा मुजाहिदा अल्लाह के यहां कबूल हो गया, जाओ अल्लाह के दीन की खिदमत करो। फिर अपना अमामा उतारकर शागिर्द ने सर पर बांधा, यूं उस्ताद ने दुआओं के साथ रवाना कर दिया। वही रास्ता वही घर, उन्हीं गलियों में फिरते हुए घर के पास पहुंचा, देखा कि दरवाजा बंद। आवाज दी तो मां दौड़ती भी आई और बच्चे को सीने से लगा लिया। वो नौजवान सुन्नत के लिबास में मलबूस था, सुन्नत के मुताबिक बाल, हर चीज सुन्नत के मुताबिक मां ने बलाइयां ली। बच्चा मां के कदमों में गिरने लगा तो मां ने जल्दी से उठा लिया और अपने कंधे से लगाया और बिस्तर पर बिठाया और कहा थोड़ी देर में तुम्हें गरम गरम खाना खिलाऊंगी, पहले अल्लाह का शुक्र तो अदा कर लूं। अपना पुराना बोरिया बिछाया और मां ने दो रकात नमाज शुक्र की नीयत से बांधी, फिर दुआ की कि ऐ अल्लाह मुझ बेवा का शुक्र कबूल कर लीजिए। आपने मेरी दुआ कबूल कर ली, मेरे मरहूम शौहर की तमन्ना पूरी कर दी। सलाम हो बायजीद बुस्तामी पर और सलाम हो उनके असातिज़ा पर, सलाम हो उनकी जलील कदर मां पर कि अजीम बेवा औरत की अजमत और हिम्मत को देखिए। इस 16 साल मां ने कितने मुजाहिदे किए होंगे, कितने फाके किए होंगे।